आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी, आप सभी हो जाए गुरु। और अभी ना 2 बज रहे हैं दोपहर के, और मेरी छोटी बाबू अभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। एक्चुअल में पापा गए हैं अभी लाने के लिए कृपा को स्कूल से, तो इसे भी जाना था। ये रोते रह गई लेकिन वो नहीं ले गए। बहुत तेज़ धूप है, इस धूप में मुझे लेकर के जाना पड़ेगा इसे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही है, कह रही है मुझे जाना है, कुछ ना खाना है ना पीना है, कुछ नहीं करना। मैं अभी थोड़ा देर लेटने गई थी, बस चल रही, मैं लेटने गई थी कि थोड़ा लेटती हूँ और उसके बाद काम भी है तो करूँगी, लेकिन अभी बात करने भी नहीं देगी। चलिए मैं आके बात करती हूँ। चल, कितनी तेज धूप है, चलो इधर। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी वहां पहुंचेंगे स्कूल के पास, तब लगाएंगे। चलो अब खुश हो, दीदी आ गई तो। बेटा फैन ऑन कर लो। हेलो दीदी, तो फिर रखो इस बोतल को ऐसे। बाबू को मैं घर लेकर के आ गई, और आधे रास्ते में मिल गए थे पापा और बाबू, तो बस कौशिकी को भी बाइक पे बिठा लिए, तो तीनों लोग बाइक से आ गए, मैं पैदल आ गई। और यहाँ पे मैं चावल चुन रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना लेट खाना, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है, तो खाना तो पहले बन जाना चाहिए। तो आज क्या हुआ था कि सुबह में ना बनाए थे सत्तू की पूड़ी, तो 3 दिन से लगातार घर में यही हो रहा है कि पूड़ी रात के दो दो रात सुबह, यानी 3 दिन, हाँ 3 दिन कह लीजिए, 3 दिन लगातार पूड़ी ही चल रहा था। तो मैं बोली कि ये अब रोटी बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी, क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड बोले मेरा खाने का इच्छा नहीं है, कुछ नहीं बनाइए। तो बाबू को भी सत्तू का पूड़ी दिए थे टिफिन में, तो मैं बोली कि, और हम लोग भी खा लिए थे वही, मैं नहीं खाई थी, मेरे लिए रोटी था, मैं रोटी ही खाई थी, तो मैं नहीं खाई थी। और तो फिर सब लोग बोले कि नहीं खाएंगे, सब लोग में क्या, मेरे हस्बैंड बोले, क्योंकि बाबू तो स्कूल में थी, वो तो आती तो खाना खाती ही। तो मैं बोली कि ठीक है, तो क्या बनाओ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो हस्बैंड से मैंने पूछा, वो बोले कुछ नहीं खाएंगे, और बाबू आएगी तो उसके लिए पूरी ही बना दीजिएगा। मैं सोची नहीं, तो फिर मैंने क्या किया कि चावल को अच्छे से चुन लिया, उसके बाद इसका मरगिल्ला यानी कि ज़्यादा पानी डाल करके, नमक डाल करके इसको अच्छे से पका दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में पकाया, मतलब ज़्यादा इसको सिझा दिया, और उसके बाद सब लोग खाए। और देखिए यहाँ पर मैं चावल रख रही हूँ, सब लोग खाए, एक लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं खाए। तो इसमें देखिए चावल डाल दिया है धो करके, और पानी ज़्यादा मात्रा में देंगे, जैसा चावल बनता है ना, तो उससे ज़्यादा मात्रा में पानी देंगे, और सीटी भी ज़्यादा लगाना होता है। और ये देखिए बन करके तैयार हो गया बिल्कुल, ये भी निकाली हूँ ना, तो उसका भाप से कैमरे में भाप जा रहा है, तो इस वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है। जब सबको मैंने दिया, इसके साथ मैंने घी डाल दिया, नमक तो डाला हुआ था ऑलरेडी, घी डाल दिया, और सब्जी बची हुई थी सुबह की, तो वो सब्जी साथ में था, अचार था, सो यम्मी, सो टेस्टी लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, सबको और चाहिए था। गुड इवनिंग, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, और 5 बज रहे हैं, अभी सो करके उठी हूँ, सो गई थी आज मैं, सब लोग सो गए थे, उठा रही हूँ, बाबू लोग को उठ ही नहीं रहे। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं, 10 बज गए हैं, और खाना पीना सब हो गया है, उसके बाद बाबू लोग पढ़ा रहे थे बाबू को। और इधर इतनी तेज़ बारिश हुई ना अभी कुछ देर पहले, यानी कि लगभग 8 बजे स्टार्ट हो गई बारिश, बहुत बारिश हुई है, बहुत भयानक वाली बारिश, बहुत। मुझे मैं किचन में खाना बना रही थी, 8 के आसपास ही लगता है बारिश हुई, 8 बजे के आसपास मैं किचन में खाना बना रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन ऑन था। मेरे हस्बैंड गए किचन में, बोले बारिश हो रही है, मैं बोली नहीं बारिश कहाँ हो रही है, तो बोले हाँ बारिश हो रही है, बाहर आकर के देखा तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज। तो खाना पीना हो गया है, बाबू लोग अभी नहीं सोई है, क्योंकि हम लोग ना आज 1.5 घंटा सो गए थे शाम को, तो लगभग 3:30 में सोए थे, 5 बजे जगे थे सो करके, तो इस वजह से अभी वो लोग, लेकिन मुझे नींद आ रही है,
वो लोग भी पता नहीं सोएगी कि नहीं सोएगी, मैं तो चली सोने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद आज सोई हूँ, 1.5 घंटा। अच्छा लग रहा था, मैं और सोऊं, लेकिन नहीं सो सकती थी क्योंकि काम भी रखा हुआ था। उठने के बाद बाहर से कपड़ा लेके आए, बर्तन साफ किए, सारा कुछ देखना होता है ना, कैसे सो सकते हैं, इस वजह से नहीं सोए। अभी जाती हूँ, दोनों को सुलाऊंगी, नहीं तो दोनों खेलते रह जाएगी। अगर पूरी रात नहीं सुलाऊं तो पूरी रात ये दोनों नहीं सोएगी, तो इसलिए सुलाना पड़ता है। इतनी बड़ी हो गई फिर भी सुलाना पड़ता है, खुद से नहीं सोती है। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मैं क्या करूँ, 10 बज गए हैं और खाना पीना जो बनाया वो दिखाया नहीं। पता है क्या होता है, किचन का लाइट ना, यहाँ का देखिए लाइट सही हो गया लेकिन किचन का नहीं सही हुआ है, क्योंकि किचन ना, किचन का लाइट पता है ऊपर है लगा, वो बड़ा ऊंचाई पे है, तो इस पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस पर सही नहीं हुआ है। तो बहुत मतलब लाइट किचन में कम है ना, तो दिक्कत लगता है बनाने में। फिर भी चलिए, आपके साथ तो शेयर करते ही हैं, तो मिलते हैं कल, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, तो उसके लिए देखिए परोड़ को ना, जो तोड़ी होता है, परोड़ भी बोलते हैं हमारे साइड में उसे, तो उसे काट करके और तवा पे मैं ऐसे करके इसको पकने के लिए रख दी हूँ। तो ये ऑलमोस्ट पक ही गया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैं पीसूँगी मिक्सी में। और इसमें मैं दूंगी राई और मिर्च और नमक। राई कंपलसरी है और उसमें क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसमें देखिए चना का दाल उबाइल कर लिए हैं, अब इसमें तड़का लगाना है। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, तो सेम उसी तवा पे मैं, गरम ही था तो मैं सोची रोटी बना लेती हूँ। तोरी को अगर हम चूल्हे पे पकाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि ऊपर का जो एक परत होता है वो जल जाता है, तो उसे हम निकाल करके ऐसे फेंक देते हैं, उसके बाद हम चटनी पीसते हैं। तो इसमें जो हम पकाए हैं वो मेरा जला नहीं है, तो उसका क्या परत निकालूँ मुझे समझ में नहीं आया। बस उसे मैंने ऐसे, क्योंकि मैं धो कर के ही डाली थी इसमें, तो मैं बस ऐसे ही इसको पीस ले रही हूँ, थोड़ा सा उसको तोड़ दे रही हूँ ताकि अच्छे से महीन हो जाए, कहीं भी छिलका वगैरह या कुछ ना रह जाए। तो इसमें हरा मिर्च डालूँगी मैं, नमक और तेल, तेल तो ऊपर से डालेंगे खाने के टाइम में। तो इसमें जैसे मिर्च का भी क्वांटिटी अपने अनुसार रखिएगा, क्योंकि जैसा तीखा या जैसा तीखा खाते हैं या नहीं खाते हैं उसके अनुसार अपना। और राई का भी जैसा झांस चाहिए, तो मैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा ही दी थी राई का, क्योंकि थोड़ा झसदार रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं राई डाल दी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे और डालने का मन कर रहा है कि थोड़ा सा झांस टाइप का वो लगता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में। इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है, बस इसे मैं पीस लूँगी अच्छे से और इसके निकाल के, और फिर इसमें जब निकाल लूँगी तो उसमें सरसों का तेल मिक्स कर दूँगी, फिर खाने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ बस अब ये देखिए चटनी बन गया है, और मैं यहाँ पे बस अब टमाटर देखिए निकाल करके रखी हूँ तड़का के लिए। चना का दाल जो मैं बॉयल की थी उसमें मुझे तड़का लगाना है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। सुबह के बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं और मेरा काम सब ख़त्म हो गया है, कपड़ा धुलना बाकी है और चावल बनाना है, दोपहर का भी बना, साथ में बना लिया लंच। बस
कपड़ा धुलना है और चावल बनाना है, दो काम मेरा बचा हुआ है। तो कपड़ा भी हाथ से धुलूंगी, सर्फ में भी गो दी हूँ और उसके बाद धुलूंगी। आज बाल भी धुला था और मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ा हेयर कटिंग भी करवाऊँ, ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, थोड़ा सा फ्रंट का हेयर देखिए ना वो बढ़ गया ना मेरा, तो ये करवाऊँगी और फिर थोड़ा सा पीछे से भी कटवाऊँगी, देखिए कटवा पाती हूँ कि नहीं। लेकिन आज तो मैंने सोचा है, आज संडे भी है तो आज मैं करवाऊँगी और ये वीडियो मेरा आज ही जाएगा संडे को ही, और ये वीडियो मेरा कल से कंटिन्यू है, मैं बोली थी कि कल इसको कंटिन्यू करूँगी। और आज मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूँगी, लेकिन आजकल थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ऐसी हो रखी है, हिम्मत ही नहीं होती कि मैं साड़ी पहनूँ। साड़ी में थोड़ा सा ना क्या होता है कि मतलब सूट में या फिर ऐसे ड्रेस में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, साड़ी में ऐसा नहीं लगता है, साड़ी में फिर थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। और ऐसा तबीयत मेरा हो रखा है तो उसमें साड़ी पहनने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। तो और काम भी होता है, काम भी करना पड़ता है, अब जहाँ पहनना पड़ता है वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि साड़ी पहनना ही है, ससुराल में तो मेरी मजबूरी होती है, पहनना ही पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल होता है साड़ी पहन करके काम करना, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। खैर चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।